करने वाले हैं कि हम मैसेज के थ्रू कैसे ऐड करेंगे, लीड कैसे जनरेट करेंगे उसके थ्रू, और मैसेज ऐड कैसे करेंगे फेसबुक पर। ओके, इससे क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो ऑडियंस है उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपके पास इजीली पहुंच जाएगी, आप उससे चैट कर लीजिएगा और उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मैंने इसका नाम लिख देता हूँ, कैंपेन नेम डिजिटल मार्केटिंग। ओके, उसके बाद हम इसको सेटअप एंड कंटिन्यू कर देते हैं। सेटअप एंड कंटिन्यू करेंगे फिर उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि इंडिया है, इंडियन रुपी है, किसमें हम ऐड करना चाहते हैं, कहाँ ऐड करना चाहते हैं और टाइम जोन मेरा, हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज भी देखिए, चूज एंड टाइप दैट विल डायरेक्ट योर पीपल मैसेंजर। ओके, यहाँ पर बता रहा क्लिक मैसेंजर या स्पॉन्सर्ड मैसेंजर, मैं इसको क्लिक पर ही रहने दूंगा। ऐड टाइप चूज किए जो आपके मैसेंजर तक, लोगों को आपके मैसेंजर तक पहुंचा दे, तो क्लिक टू मैसेंजर मैं इसको ऐसे रखे रहूंगा। यहाँ पर ऑडियंस, ऑडियंस दो टाइप की, एक आप क्रिएट कर सकते हैं या एक आपके पास ऑलरेडी सेव है। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद ऑडियंस को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी सेव ऑडियंस है, मैं उसको यहाँ से ले लूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, देखिए आपका ऐड कहाँ शो करेगा, यहाँ एक्सक्लूड और इंक्लूड, यानी कितने लोगों को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, कितने लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। लोकेशन में क्या करेंगे, जो लोग आपके लोकेशन में रिसेंटली हैं आप उनको टारगेट करेंगे। आप इंडिया में हैं, जैसे मान लो इंडिया लिखा हुआ, जैसे आप मान लो कहाँ हैं, थाने, थाने आपने लिख दिया, ये देखिए अभी आ जाएगा थाने महाराष्ट्र, आप यहाँ के लोगों को टारगेट करेंगे, इतनी रीच आपकी हो गई। उनकी एज सिलेक्शन क्या करेंगे, वो एज आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लो डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले कहाँ से हैं, 22 एज से आप 35 रख लीजिए। मैं 38 रख लेता हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा एज हो गई। मेन और वीमेन किन में आप टारगेट करना, सबको टारगेट करना चाहते हैं, सिर्फ मेन को, तो मैं मेन ले लेता हूँ। लैंग्वेज आप ऐसे रखने दिए, इंग्लिश है। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, यानी इंटरेस्ट के बेस पर, डेमोग्राफिक के बेस पर, बिहेवियर के बेस पर, आप किस पर टारगेट करना चाहते हैं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ले लेता हूँ। ओके, अभी ये डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद सजेशन देगा, यहाँ पर आप जब चूज़ कर लेंगे सजेशन देगा, सजेशन पे आप क्लिक करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसा आप इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ऐड अ कनेक्शन टाइप पीपल हु लाइक योर पेज, जो लोग आपके पेज को लाइक कर रहे हैं उनको भी आप शो करेंगे, या उनको शो करेंगे या फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स उनको भी शो करेंगे, किनको आप टारगेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर दीजिए। आप जो ऑडियंस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऑडियंस बनाने में बहुत परेशानी आती है, तो उस ऑडियंस को आप सेव कर लीजिए, सेव दिस ऑडियंस। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैनुअल प्लेसमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैसेंजर में तो रह गई, चूँकि मैसेज आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आप एड्स शो कराना चाहते हैं, जहाँ पर शो कराना चाहते हैं एड्स वहाँ पर आप टिक रहने दीजिए, जहाँ पर नहीं कराना चाहते उस टिक को आप हटा दीजिए। ओके, उसके बाद डिवाइस ऑल होगी, मोबाइल होगा और डेस्कटॉप होगा, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, डिलीवरी क्या होगी, कन्वर्जन होगा या लीड होगा, कौन सा आप रखना चाहते हो, तो कन्वर्जन ही रखिए। बिट कंट्रोल, मैक्सिमम बिट इन ईच ऑप्शन, कितना आप रखना चाहते हैं, मैक्सिमम बिट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ, मैं मान लो 10 रुपये खर्चा करूँगा एक उस पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेली वेज आप कितना होगा वो आप लिख लीजिए, 5,500, 200, 300, 400, मान लो मैं ले लेता हूँ 100 रुपये मेरा डेली वेज इतना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक आपका आज से ही स्टार्ट हो जाएगा,
या आप कोई डेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सेट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, तो आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं और डेट भी सेट कर सकते हैं, कब से कब तक चलेगा वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, बजट आपका रहेगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे क्विक क्रिएशन। फौरन आप एड सेट बना सकते हैं, कैंपेन एक रहेगा उसके अंडर में आप कई एड सेट बना सकते हैं। ये दो एबी टेस्ट में बता रखा हूँ कि दो एक साथ चलाएंगे ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि पहला वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है, दूसरा वाला ज़्यादा चल रहा है, कौन सा ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर हम इसको ऊपर लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ओके, किस पेज पर हम लाना चाहते हैं वो पेज हमारा ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब हम ऐड कराएंगे तो किसी और किसी पेज पर हम उसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑलरेडी एक पेज है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, क्राउजल है, सिंगल इमेज वीडियोज है। तो क्राउजल में तीन चार फोटोज़ होती हैं, उसको वन बाय वन स्लाइड होती रहती है। यहाँ पर सिंगल इमेज, ये हम सिंगल इमेज वाली लेंगे। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, मीडिया एड मीडिया, क्रिएट स्लाइड, क्रिएट स्लाइड शो, क्रिएट वीडियो। तो हम सिंगल मीडिया से भी काम चला रहे हैं। ओके, मैं सिर्फ एक इमेज ले रहा हूँ जिसमें कम टेक्स्ट है, 20% टेक्स्ट है। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिएगा canva.com पे आकर के, कि आपका जो नीश होगा डिजिटल मार्केटिंग हो या कुछ और हो सकता है, तो वहाँ जाकर के आप लिख लीजिएगा, नंबर लिख लीजिएगा, ताकि आप मैसेज के थ्रू उससे कॉन्टैक्ट को मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं लिख दूंगा बम्पर ऑफर और फ्री डिजिटल मार्केटिंग, फ्री डिजिटल मार्केटिंग बम्पर बम्पर ऑफर। ओके, मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर कनेक्ट इन मैसेंजर, हेडलाइन क्या होगा, कनेक्ट इन मैसेंजर, आप इसको लिख दीजिए, या चैट इन मैसेंजर, ये भी आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर टुडे ओनली फ्री, आप ये लिख दीजिए। हरी अप, आप जल्दी लोगों का, क्योंकि जब आप करेंगे तो फौरन आपको लीड मिलने लगे, लोग जल्दी करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए कॉल टू एक्शन है, क्योंकि अब हम मैसेज के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सेंड अ मैसेज का ही ऑप्शन रहना दीजिए, और कोई ऑप्शन रहना मत रहना दीजिए। उसके बाद देखिए हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है क्रिएट जनरेट लीड्स और स्टार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी, इस तरह से आंसर आएगा। तो इस तरह से आप उसका जवाब ऑटोमेशन में लगा देंगे। तो मैं चैट अगर स्टार्ट कन्वर्सेशन पर करना चाहते हैं तो क्रिएट कीजिए, जैसे यहाँ पर है हाय, अगर किसी का नाम रिजवान है तो उसका नाम आप लिख दीजिए। ओके, ऐड कस्टमर नेम, यहाँ पर नेम लिख दीजिए, या उसका फुल नेम, आप रिसिपिएंट लिए सर नेम लिख सकते हैं या फुल नेम लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा, मैं उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था रिजवान नाम आ गया, आई एम इंटरेस्टेड कैन यू टेल मी, आप क्वेश्चन कुछ और बना सकते हैं, आर यू इंटरेस्टेड, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड रिस्पांस ऑप्शनल, और बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, आर यू अवेलेबल टू चैट, ये हो सकता है, उसका आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा है, चूंकि वहां पर स्टार कन्वर्सेशन में आप कर दिया, यहाँ पर जनरेशन पे आप लीड जनरेट लीड पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी आप क्रिएट अ चैट, चैट क्रिएट कर सकते हैं। हाय, फर्स्ट योर नेम, प्लीज आंसर फ्यू क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट यू बेटर, आप कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर कन्वर्सेशन था, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे उनका नाम पूछ सकते हैं और कहाँ रहते हैं, क्या क्लास, किस क्लास में पढ़ते हैं, या वो इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पुटअप कर सकते हैं आप, बहुत ही ईजी है ये।
उसके बाद देखिए यहाँ पर पिक्सल, आप पिक्सल जरूर लगाइए, क्योंकि जब ट्रैक करेंगे तो क्या होगा कि जो बंदा आएगा तो उसके पास उसकी आपके पास उसकी आईडी होगी और आपको मालूम पड़ेगा हाँ बंदा क्या है, फ्यूचर में आप उसको रिटारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने वेबसाइट पे पिक्सल ज़रूर लगा के रखिए। यहाँ पर यूआरएल रख दीजिए, ये देखिए फॉर्मेट क्या होगा, ओनली टेक्स्ट। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, वेलकम पीपल कन्वर्सेशन, यहाँ पर लिख दीजिए हाय, यहाँ पर लिख दीजिए हाय, है ना, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आप कुछ और लिख सकते हैं, फुल रिसिपिएंट नेम लिख दीजिए, उसके बाद आस्क क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली, उसके टाउन का नाम पूछ सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ऐड क्वेश्चन, क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं आप, शॉर्ट आंसर ऑप्शनल, फ़ोन नंबर मांग सकते हैं, ईमेल एड्रेस मांग सकते हैं, ओके, जॉब के रिलेटेड मांग सकते हैं, उसका कंपनी नेम मांग सकते हैं, जेंडर नाम मांग सकते, जेंडर कर सकते हैं। टिक्स देखिए यहाँ पर क्या है, आप चेंज कर सकते हैं, हाय यू आर मोस्ट वेलकम, आप इस तरह लिख सकते हैं। टेक्स्ट ऑनली फॉर्मेट में टेक्स्ट ऑनली है, टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट एंड वीडियो कुछ भी आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस लिख सकते हैं। आप इस तरह से कंफर्म कर दीजिएगा, आपका ऐड ओके हो जाएगा। तो देखिए मेरा ऐड इस तरह से बन करके हो गया है, ओके। इस तरह से आप ऐड बना सकते हैं जो बहुत ही ईजी है, और इस तरह से आप अपनी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।